नमस्कार। आज हम शुंगकालीन शिल्पकला के महत्वपूर्ण केंद्र सांची के स्तूप के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मौर्य के बाद का राजनीतिक इतिहास बड़ा उलझा हुआ है। हमारी जानकारी के लिए उसका इतना सारांश काफ़ी है कि संप्रति के बाद मौर्य शासक असफल रहे, फलतः अंतिम मौर्य बहद्रत के समय में सेना बिगड़ उठी और सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना के सामने उसे मारकर समूचे मध्य देश पर अधिकार कर लिया। उसका वंश शुंग वंश कहलाया। अपना आधिपत्य जमाने के लिए उसने दो बार अश्वमेघ यज्ञ किया जो हजारों वर्षों से बंद हो गया था। अफगानिस्तान, कापिशी तथा पुष्करावती में और पश्चिमी पंजाब, तक्षशिला तथा सियालकोट में चार छोटे छोटे यूनानी राज्य कायम हो गए। बलख में एक यूनानी राज्य पहले से चला आता था। इनमें से सियालकोट शाकल का शासक मैनेन्द्र मीनान बौद्ध धर्म का बड़ा पोषक और प्रचारक हुआ। इसी शुंग काल में स्तूप निर्माण बहुतायत में हुआ, जिसमें सांची व भरूत के स्तूप प्रसिद्ध हैं। ये स्तूप भगवान बुद्ध की अस्थियों के प्रतीकात्मक समाधि स्थल हैं, जिनको पूजा के लिए स्तूप के रूप में निर्मित किया गया था। शुंग ब्राह्मण थे, अतः ब्राह्मण धर्म का इनके समय में विशेष उत्कर्ष हुआ। इस समय बौद्ध, जैन तथा हिंदू धर्म से संबंधित कला का रूप दृष्टिगोचर होता है। इस समय स्तूप, गुफा तथा मंदिरों का निर्माण हुआ। इन धर्म स्थलों में प्रयुक्त पाषाण को कलात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा गौरवपूर्ण बनाया गया। शुंगकालीन कला के सांची तथा भरहुत अनन्यतम उदाहरण हैं। सांची मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट स्थित है। सर्वप्रथम जनरल टेलर ने इसकी ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया था। विदिशा से केवल 5 मील है बैजवती और विदिशा नामक नदियों के संगम पर दर्शन देश की प्राचीन राजधानी विदिशा, मथुरा से प्रतिष्ठान को जाने वाले राजमार्ग पर प्राचीन व्यापारिक केंद्र था। आजकल उसे भेलसा कहते हैं। वह पूर्वी मालवा का सबसे बड़ा स्थान था, अतः उसे महाचैत्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त समझा गया। विदिशा के पास एक और सांची की पहाड़ी पर बौद्ध भिक्षुओं ने अपने विहार और स्तूपों का निर्माण कराया, तो विदिशा के दूसरी ओर भागवतों ने भगवान विष्णु के मंदिर, गरुड़ ध्वज और कामदेव के लिए मकर ध्वज यष्टि स्तंभ स्थापित किए। सौभाग्य से सांची के स्तूप बहुत अच्छी दशा में सुरक्षित रह गए और भारतवर्ष के बौद्ध अवशेषों में उनका महत्वपूर्ण स्थान कहा जा सकता है। इस पहाड़ी पर अशोक के समय से अर्थात ईसवी पूर्व 3री सदी से लेकर 9वीं सदी तक लगभग 1200 वर्षों तक निर्माण कार्य होता रहा। महावंश ग्रंथ के अनुसार जब अशोक उज्जैनी के शासक नियुक्त हुए तो वे कुछ समय के लिए विदिशा में ठहरे थे, जहां उन्होंने एक धनी व्यापारी की पुत्री देवी से विवाह किया। उसी रानी से महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ। अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। सांची के टीले को महाचैत्यगिरी कहा गया है। यह संज्ञा उस पर बने बड़े स्तूप के कारण पड़ी होगी। यह डूंगरी 300 फुट के लगभग ऊंची और आकृति में कूर्म पृष्ठ के समान है। सांची में और उसके आसपास लगभग 61 स्तूप इस प्रकार हैं: सोनारी में 8 स्तूप, सतधारा में 5 स्तूप, अंधेर में 3 स्तूप, भोजपुर में 37 स्तूप तथा सांची में 8 स्तूप। प्राचीन लेखों में सांची का नाम काकणाय या काकणाव है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में इसका नाम काकनाद बोट पड़ा। 7वीं शताब्दी में इसका नाम बदलकर बोट श्री पर्वत हो गया। कुछ विद्वान चैत्यगिरी को सांची का पुराना नाम मानते हैं, पर सत्यता की परख अभी नहीं हो पाई है। सांची में प्राप्त मुख्य स्तूप आकार में विशाल व पत्थरों से बना है, अतः इसे महास्तूप या सांची स्तूप भी कहा जाता है। इस स्तूप का समाधि वाला भाग अशोक के समय में वे बाहरी भाग परिक्रमा व तोरण द्वार शुंग वंश में बनवाए।
इसका व्यास 60 फीट व ऊंचाई 25 फीट है। यह अर्ध गोलाई लिए हुए है व इसका सिरा चपटा है, जिस पर तीन घुमाव वाला एक छत्र बना है। ये तीन घुमाव बौद्ध धर्म में बुद्ध, कानून व सन्यासी संप्रदाय के प्रतीक हैं। इसके चारों दिशाओं में तोरण द्वार बने हैं। सबसे पहले दक्षिण का द्वार, फिर उत्तर का, फिर क्रमशः पूर्वी व पश्चिमी द्वार बने। इनकी ऊंचाई 34 फीट है। तोरण द्वार 14 फुट ऊंचे चौकोर स्तंभों पर आधारित हैं। इन पर तीन कमानीदार बंडेरियां बनी हैं, जैसा कि इस स्लाइड में हम देख सकते हैं। एक द्वार पर उत्कीर्ण लेख के अनुसार सातवाहन राजा सातकर्णी के स्थपति ने इसका निर्माण करवाया। दक्षिण तोरण के लेख से ज्ञात होता है कि यह विदिशा नगरी के हाथी दांत के कारीगरों के द्वारा उत्कीर्ण किया गया था। चौपहलू स्तंभ चुनार के बलुए पत्थर की शिला पर गढ़े गए। इनमें अभिलेख भी खुदे हैं। इनके शीर्ष पर चार हाथी, चार सिंह अथवा चार बौने, अपने सिर पर कुंडलाकार किनार वाली कमानीदार बंडेरियां या धरने उठाए हैं। चार चौकोर ब्लॉक मानो स्तंभ का भाग हो। इनके तथा बंडेरियों के मध्य तीन तीन स्तंभ पट्टियां हैं। इनके बीच के रिक्त स्थान में अश्वारूढ़ व गजारूढ़ मानव बनाए गए हैं। स्तंभ शीर्ष की चौकियों पर शाल भंजिका ने सबसे नीचे वाली बंडेरी सिर पर उठा रखी है। सबसे ऊपर की बंडेरी के मध्य धर्म चक्र तथा अलंकृत त्रिरत्न बने हैं। धर्म चक्र के दोनों ओर चामरधारी यक्ष बनाए गए हैं। वेदिका के प्रत्येक भाग पर लेख खुदे हैं। यह चिकने व सादे पत्थरों की बनी है। यह भारत के अन्य स्तूपों की वेदिकाओं से अलग है, यही इसकी भिन्नता है। सांची की शिल्पकला के प्रमुख विषय इस प्रकार हैं। सबसे पहले है जातक कथाएं। जातक कथाएं अर्थात भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। सांची के शिल्पों में छदंत जातक, महाकपि जातक, वैसांतर जातक, अलुम्बसा जातक व साम जातक का महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्ध जीवन की घटनाएं, इनमें जन्म, प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण, चार रथ यात्राएं, कुंडल, केशों की पूजा, मार द्वारा प्रलोभन, भिक्षा पात्रों की भेंट, कपिल वस्तु में आगमन आदि का शिल्पांकन हुआ है। इनमें बुद्ध की उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाई गई है, यथा चरण चिन्ह, छत्र, धर्म चक्र आदि। किंतु जहाँ यह सब कुछ है, वहाँ सबसे प्रधान बात यह है कि कहीं भी बुद्ध की मूर्ति क्यों नहीं बनी है। जहाँ उनका स्थान है, वहाँ एक स्वास्तिक, कमल या चरण आदि के संकेत से वे सूचित किए गए हैं। यही बात भरूत में और अंशतः अमरावती में भी है। इसका कारण यह है कि भगवान तथागत अपनी पूजा के विरुद्ध थे। इसी विचार से उन्होंने अपने अनुयायियों को चित्रकला में प्रवृत्त होने का निषेध किया था, क्योंकि सभी प्रकार की प्रेक्षकलाओं का मूल चित्रण ही है। अन्य विषयों में है राजाओं का जीवन वृतांत, ग्रामीण जीवन, बौद्ध भिक्षु, यक्ष यक्षिणी, वृक्षिकाएं, द्वारपाल, बौनों के अतिरिक्त शेर, हिरण, हाथी, जंगली जानवर, बौद्ध धर्म के इतिहास की मुख्य घटनाएं, मानुषी बुद्धों से संबंधित दृश्य, त्रिभंगी मुद्रा में आकाश में विचरण कर रही यक्षिणी, शाक्य मुनि की जीवन घटनाएं, मानव व पशु, फूलों व अन्य सामग्री से बुद्ध प्रतीक की पूजा करते, प्रसन्नता से सराबोर हाथी, घोड़ों का जुलूस, कमलों से परिपूर्ण तालाब में जल मुर्गी व मछली के साथ अपने को ठंडा करती भैंस, नृत्य, बंदरों द्वारा बोधि वृक्ष की पूजा, पश्चिमी तोरण पर राजा भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों के बंटवारे के लिए युद्धरत, गज लक्ष्मी, कमल पर पालथी मारे लक्ष्मी, गज द्वारा जलाभिषेक आदि। यहाँ की वृक्षिकाएँ व यक्षिणियाँ अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। बंडेरियों से निकले हुए समकोणों के भाग पर शाल भंजिकाओं की सौंदर्यमयी मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं, जिन्हें विभिन्न भाव भंगिमाओं में प्रस्तुत किया गया है, जैसे वृक्ष का अवगुंठन
करती, वृक्ष की डाल को स्पर्श करती, अलसाई आधी बैठी हुई शोभा यात्रा देखने के लिए झांकती एवं विविध रूपों में बनी शाल भंजिकाएं हैं। अलंकरण। हाथी तथा कमल के सौंदर्य से अभिभूत कलाकार ने इनके उत्कीर्णन रूप में अद्वितीय कौशल का परिचय दिया है। वनस्पतियों का निरूपण। वनस्पतियों से सांची की कला ओतप्रोत है। अशोक, आम्र, शाल आदि वृक्षों, कमल, कंटकारी, कल्पलता, श्रीवक्ष जैसे पल्लवित पुष्पित हरे भरे पेड़ पौधों, लताओं का अत्यंत स्वाभाविकता के साथ अंकन किया गया है। यहीं पर पत्र, पुष्प, लता एवं वृक्षों का शिल्पांकन इतना अधिक और रमणीय है कि मार्शल ने सांची के महास्तूप की का नामकरण ही वनस्पति शैली कर दिया है। बौद्धों ने अपने सात्विक स्मारकों में दंपतियों के अतिरंजित दृश्यों को भी स्थान दिया जिनका बुद्ध धर्म से कोई संबंध न था। विशेषताएं। यह भारत में चूने के बिना की गई चिनाई का सबसे पहला नमूना है और अन्य विशेषताओं में आभूषण बने हैं, बहुत अधिक पारदर्शी वस्त्र हैं, संयोजन में प्रभाविता है अर्थात महत्वपूर्ण आकृति को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है, आकृतियों को चपटा और अर्ध उबार दिया गया है और उनकी सीमा रेखा मोटी है जैसे कि काष्ठ कला में होती है, संपूर्ण घटना को एक क्रम में बनाया गया है। यह स्तूप आज भी अच्छी दशा में सुरक्षित रह गया है। सांची के कलाकार का उद्देश्य धर्म साधना का रूपांकन कम तथा समसामयिक समाज का यथातथ्य वर्णन अधिक था। डॉक्टर मोतीचंद के मतानुसार भी सांची के अर्धचित्रों का विधान ऐसे सुचारू रूप में हुआ है कि प्रस्तर में अंकित कथाएं अपने आप बोलती सी नजर आती हैं। इस प्रकार सांची की कला लोक जीवन की अनूठी झांकी है। यहाँ पर बनी वृक्षिकाएं अपने सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध हैं। इनकी लय में मोहक मुद्राएं तथा सुगठित देह भावाभिव्यंजक है। रिक्त स्थानों को श्री, गौमूत्रिका, कमल आदि विभिन्न अभिप्रायों से अलंकृत किया गया है। पारदर्शी वस्त्र तथा आभूषणों से नर तथा नारी आकृतियों को सुसज्जित किया गया है। इन्हें मोटी सीमा रेखाएं तथा अर्ध उभार लिए हुए उत्कीर्ण किया गया है। भगवान बुद्ध के स्थान पर रिक्त सिंहासन, चरण, छत्र, धर्म चक्र आदि बनाए गए हैं। यहाँ पर तत्कालीन लोक कला के विश्वास व परंपरा का पूरी तरह निर्वाह किया गया है। निष्कर्षतः सांची अपने समय के समाज को पूर्णतः व्याख्यायित करती है। इस लेक्चर में हमने सांची के स्तूप के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट लेक्चर में हम भरूत के स्तूप के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।